हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी इंडिया। देखो बोर्ड पे यहाँ पे हमारे पास तीन वर्ड हमने अलग अलग लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर भी है, तीनों को एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं। हियर आई हैव रिटन रॉक, यहाँ पे हमने लिखा है वाटर, एंड हियर इज रिटन इज दैट बलून विल बलून फिल्ड विथ एयर, ठीक है। तो तीन अलग अलग चीजें हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, पहले ये समझाते हैं, देन आफ्टर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास रॉक लिखा है, तो रॉक को देखें तो एक चीज ये कॉमन है, या अभी हम प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते हैं, ठीक है। बीइंग प्रैक्टिकल लेट अस अज्यूम कि अभी हम क्लास में प्रेजेंट हैं, एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज दैट लेट अस सपोज कि रॉक है, मैं तीन स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाता हूँ, ठीक है। आई एम कॉलिंग थ्री स्टूडेंट्स ओवर हियर ऑन द बोर्ड, कह सकते हैं। एक के हाथ में मैंने ये पत्थर दिया, रॉक कोई भी छोटा बड़ा एक्स वाई जेड वॉट एवर इट मे बी ऑफ साइज, ठीक। दूसरे के हाथ में मैंने एक ग्लास दिया फिल्ड विथ अ वाटर, या कह सकते हैं कि वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स ही दिए, उसके पाम पे हमने दिया। एंड आई हैव गिवन वन ऑफ द स्टूडेंट्स विद द बलून फिल्ड विद द एयर, ठीक है। जो बलून अपने मुंह से फुलाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तीनों को मैंने यहाँ पे दिया, एंड आई एम जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ऑल द थ्री स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है। जस्ट जैसे ही हम लोग के पास पेन है, इसको इसी तरीके से आपको इसको बस ऐसे छोड़ देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो तीनों ही स्टूडेंट जब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, मतलब जब अपने हाथ में वो है होल्ड किए हैं, द मोमेंट दे विल लीव दिस ऑल दीज थिंग्स, थ्री थिंग्स, क्या क्या, रॉक, वाटर या बलून फिल्ड विद द एयर, जब तीनों को ये छोड़ देंगे, लीव करेंगे, तो व्हेन दे विल लिफ्ट दिस थिंग, ठीक है, फ्रॉम देयर हैंड्स, व्हाट दे विल ऑब्जर्व, और नॉट ओनली दे विल ऑब्जर्व, इवन द एंटायर क्लास विल ऑब्जर्व, पूरी क्लास ये चीज ऑब्जर्व करेगी कि ये चाहे वाटर हो आपका बेटा, चाहे रॉक हो यहाँ पे, या चाहे बलून हो, दोनों ही आपका फॉल करेगा कहां पे, डाउनवर्ड फॉल करेगा, ठीक है। दोनों ही आपके डाउनवर्ड फॉल करेंगे, यानी जमीन की तरफ नीचे गिरेंगे आपके तीन के तीनों ही ऑब्जेक्ट, सॉरी अगर मैंने दोनों बोला हो, तो तीनों ऑब्जेक्ट आपके जमीन पे नीचे गिरेंगे, ठीक है। अब देखो ये मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आप क्लास 9 की कोई भी बुक खोल के देख लो, इधर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक, पहले ही मैटर दिया है, उसका डेफिनेशन दिया है, तो थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं जिससे आपको रिलेट कर सको चीजों को, ठीक है, आप खुद करके देखना है इसको। तो तीनों ही ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, फॉल डाउनवर्ड्स करेंगे। तो अब देखो हल्का सा फिजिक्स या कह सकते हैं या जनरल अंडरस्टैंडिंग भी हमारा यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरता है। देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हाई एनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉल डाउनवर्ड्स। अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो डाउनवर्ड क्यों गिरता है, तो रीजन इज दैट कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, हमारे पास मास प्रेजेंट होगा। तो इट डज मीन क्लियर कि चाहे आपके पास रॉक दिया होता, चाहे वाटर हो, चाहे बलून हो, इन सबके पास एक चीज कॉमन है, ठीक है। वो कॉमन चीज क्या है दोनों सबके पास, कि सबके पास कुछ ना कुछ अपना मास होगा। इट मे बी वेरिंग, हो सकता है कि रॉक का मास कुछ कम हो, इट मे बी दैट द मास ऑफ द वाटर मस्ट बी लिटिल बिट लेस देन द रॉक, यार ये भी, लेकिन क्या होगा कि दोनों सबके पास कुछ ना कुछ मास है और वो नीचे डाउनवर्ड गिरेंगे ही गिरेंगे, ये चीज कॉमन है, ठीक। तीनों में ये चीज कॉमन हो गया। अच्छा अब एक चीज और समझ लेते हैं, अब बलून को क्या किया कि मैंने पास लेट अस सपोज यहाँ पे टेबल है, ठीक है, या हाथ पे ही मैंने बलून के यहाँ रखा है, तो दिस बलून विल ऑक्यूपाई द स्पेस प्रेजेंट ऑन माय पाम, ठीक है, जो भी पाम पे हमारे पास स्पेस है उसको स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली वाटर भी क्या करेगा, इसको हम किसी ग्लास में रख रहे हैं या किसी कंटेनर में रख रहे हैं, इट इज ऑल्सो गोइंग टू ऑक्यूपाई द सम स्पेस, एंड सिमिलरली रॉक इज ऑल्सो गोइंग टू ऑक्यूपाई सम स्पेस। इसका मतलब ये तीनों ही तीनों क्या करेंगे, आपके पास इनके पास मास तो प्रेजेंट है ही, साथ साथ ये क्या करेंगे, हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, दे विल ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल। तो अब अच्छा अगर हम स्पेस की बात करते हैं बेटा, तो देखो क्या है स्पेस का मतलब, क्या कह सकते हैं आप 8th की मैथमेटिक्स में पढ़े हो, कैपेसिटी या स्पेस, ये हम लोग का क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसी चीज को मैं चेंज करके एक वर्ड से भी लिख सकता हूं यहां पे, कि मतलब स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। आई कैन ऑल्सो से दैट इट डज मीन कि आपका क्या होगा, वॉल्यूम हो गया। तो एक चीज यहाँ पे, सॉरी, अब हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, ये कि ये जो तीनों ही सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, ठीक है, सॉरी दो चीज कॉमन है यहाँ पे, कि तीनों के पास कुछ ना कुछ मास है और तीनों कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम के टर्म में बोल रहे हैं। सो अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, अब हम अपने चैप्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का आपका सबसे पहला टॉपिक ही यही है, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो एज आई ऑलवेज से बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, लेट अस ट्राई टू Understand what's the meaning of the chapter, ठीक है? Chapter का meaning क्या है? पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने overview आपको दिया है, ठीक है? So that it will be little bit easy for you to understand the chapter. तो matter की पहले बात करते हैं बेटा, देखो। तो कुछ भी ऐसा हमारे आसपास, like the three substances that I have written on the board over here, कोई भी ऐसा three substances आपको, sorry, not three substances, कोई भी ऐसा substance आपके पास, जिसके पास ये दो properties होंगी। कौन-कौन सी दो properties? उसका कुछ न कुछ mass present होगा, and it will occupy the some space, or we can say that
इट विल ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम और विल हैव सम वॉल्यूम, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को हम लोग मैटर कहते हैं। तो राइट नाउ आई कैन गेस कि मैटर का डेफिनेशन अब आपको क्लियर है। देखो चैप्टर का नाम ही है यहाँ पे मैटर इन अवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास आप कुछ भी देख लो, आपके आसपास कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा, ठीक है, उसमें मास होगा, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ भी अपने आसपास देख लो। मैं लेट अस सपोज जस्ट आई एम गोइंग टू राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू काउंट द फाइव ओनली थिंग्स, ठीक है, ओनली फाइव थिंग्स सॉरी प्रेजेंट इन दिस रूम और वी कैन से द स्टूडियो, ठीक है। मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, इट हैज सम मास, ठीक है, इसके पास कुछ कुछ मास है इसका, इट हैज ऑक्यूपाइड द सम वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूं तो इस पाम का कुछ इसने वॉल्यूम कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। सिमिलरली देर इज अ टेबल ऑल्सो, टेबल यहाँ पे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कुछ मास प्रेजेंट है उसका, बोर्ड इज ऑल्सो देयर, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ उसका मास है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो उसकी वॉल्यूम होगी, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो कई ऐसे सब्सटेंसेस यहाँ पे ट्यूबलाइट, देर इज सेल फोन इज ओवर देयर, ठीक है, तो कितने भी जैसे जितने भी आप सब्सटेंस अपने आसपास देखोगे दे विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, मीन्स they are going to have some volume, they will have sorry some volume as well as mass, और ऐसे सभी substances को हम लोग matter कहते हैं। But यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। अच्छा क्यों रुकते हैं? Reason is that why I told you right now just to little bit pause, ठीक है? Reason is that this definition that right now definition that I told you right now is that matter is anything which occupies space and have some mass, ठीक है? तो इसको हम लोग मैटर कहते हैं, बट दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल ओनली अप टू क्लास 8, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग ओनली अप टू द क्लास 8, सिंस दिस डेफिनेशन इज नॉट अ रॉन्ग डेफिनेशन, देखो ये डेफिनेशन हमारा गलत नहीं है, बट सिंस राइट नाउ वी आर इन द क्लास 9, अभी हम थोड़ा सा क्लास 9 में है, तो 8 क्रॉस करके हम 9th में आए, सो व्हाई वी शुड नॉट अपग्रेड आवर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है, हमें खुद को भी क्यों ना अपग्रेड करना चाहिए। देखो तो यानी मैटर के डेफिनेशन में थोड़ा सा हम इसको इंक्रीमेंट कर, थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं, क्या वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो देखो अपना, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस राइट नाउ, एक मिनट, ठीक, देखो क्या इंट्रोड्यूस मैंने करना चाह रहा हूं, चाहे रॉक हो आपके पास, चाहे वाटर प्रेजेंट हो और वेदर इज अ बलून, ठीक है, आप रॉक को हाथ में ले रहा हूं मैं यहाँ पे, चाहे मैं यहाँ पे वाटर को ले रहा हूं, और इवन आई एम होल्डिंग दिस बलून ऑन माय हैंड, ऑल द टाइम आई विल फील, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ तो सेंसेशन होगा, कुछ तो फील होगा, सॉरी कुछ तो हमारे पास, कुछ तो मुझे फील होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आई एम होल्डिंग समथिंग, ठीक है, और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द माई हैंड और आई एम होल्डिंग द बलून फिल्ड विद द एयर, तो इसका मतलब मैटर के डेफिनेशन में आप थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर लो, एंड व्हाट्स अनदर लाइन इज दैट मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस और हैव सम वॉल्यूम एंड हैव सम मास इज कॉल्ड द मैटर, उसी को हम लोग बोलेंगे मैटर, ठीक है। तो डेफिनेशन में प्रॉपर यहां पे लिख दे रहा हूं, सॉरी एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इट कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ द अवर फाइव सेंसेस, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन होता है आपका मैटर का। लेट मी राइट दिस कंप्लीट डेफिनेशन एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर उसके बाद ये डेफिनेशन आप खुद भी लिख लो। तो पहला क्वेश्चन करके लिखते हैं, डिफाइन मैटर। देखो दिस इज योर कंप्लीट डेफिनेशन,
अभी हमारा मैटर का क्या है, कंप्लीट डेफिनेशन है, क्या लिखा मैंने डेफिनेशन यहाँ पे देख लो प्रॉपर अच्छे से, कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, कुछ क्या करेगा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, हैव सम मास, कुछ ना कुछ उसके पास मास प्रेजेंट होगा, एंड अब ये लाइन यहां से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ बुकों में ये डेफिनेशन ना दिया हो, बट एज फार एज माई टीचिंग इज कंसर्न आई ऑलवेज से स्टूडेंट टू राइट दिस डेफिनेशन, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रोवाइज तो करना चाहिए ना, हम क्लास नाइन्थ में है तो, प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन ऑफ द फाइव सेंसेस, ठीक है, अब फाइव सेंसेस आप जान ही रहोगे कि क्या क्या है, उनसे हम फील कर सके, तो वो हमारा मैटर है, ठीक है, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, ठीक है, तो अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, देखो तो जैसे अभी हमने मेरे हाथ में यहाँ पे पेन ही मैं लिख रहा हूं सपोज करो, ठीक, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पेन है, उसके बाद जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था रॉक, ठीक है, अब क्लास में पढ़ रहे हो तो तुरंत एक एग्जांपल हमारे पास आता है यहाँ पे चौक, ठीक है, तो ये सभी हमारे पास क्या है सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, और दो तीन हम लिक्विड्स के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, लिक्विड की फॉर्म में अगर दूसरा यूज कर रहे हैं तो देखो मिल्क लिख सकते हैं यहाँ पे आप, वाटर लिख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है, ये सभी हमारे पास क्या है लिक्विड की फॉर्म में जो कि मैटर ही है, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ईटीसी, तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द मैटर, और ये कुछ रहा कुछ आपके इसके ये एग्जाम्पल भी रहे हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो ये बात रहेगी मैटर की। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, क्या क्या है मैटर, अलग अलग कितने हमारे पास अलग अलग मैटर्स हैं यहाँ पे, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ मैटर है, सो लेट मी राइट हियर टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, तो देखो जब मैटर के टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, सबसे पहला आपका सॉलिड, सेकेंड वन लिक्विड, एंड देन थर्ड वन गैसेस, हाँ इसके बाद भी दो और मैटर प्रेजेंट है, स्टिल टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो देयर, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बट उसको हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर ने सिर्फ यही तीन बताया तो सिर्फ तीन ही है, स्टिल लॉट मोर ऑप्शन, सॉरी टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर वी हैव, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैटर में बात करते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस, तो लेट अस सपोज समवन हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन, अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड क्या है उसको डिफाइन कीजिए, अब मुझे पता है क्लास में भी मैंने कई बार ये चीज क्वेश्चन पूछा है, या पूछ के जब क्लास में देखता हूं तो तुरंत बच्चे ये चीज बोलने लगते हैं कि सर सॉलिड इज अ मैटर, और सॉलिड इज अ सॉलिड में इंटरपार्टिकल स्पेस नहीं होता है, सॉलिड हार्ड होते हैं, ये आप ऐसे बताना स्टार्ट कर देते हो, अकॉर्डिंग टू माई कह सकते हैं कि ओपिनियन, ठीक है, इन माई ओपिनियन इट इज अ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, नॉट इनकरेक्ट बट इट्स अ इनकम्प्लीट आंसर, व्हाई आई एम सेइंग दैट इट्स अ इनकम्प्लीट आंसर, देखो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लेट अस सपोज कि अब मैंने आपसे ये पूछा कि लेट कोई भी स्टूडेंट है, लेट अस सपोज राम नाम का कोई स्टूडेंट है, तो और वो क्या है क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है, लेट अस सपोज ये क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है सेक्शन ए में, ठीक है, सो लेट अस सपोज आप जा रहे हो और रैंडमली आपसे किसी ने पूछा हु इज राम, एंड डायरेक्टली यू टोल्ड द राम, राम इज ए स्टूडेंट, ठीक है, सिंपली आपने ये बोल दिया, बट आपको यहाँ पे क्या करना था, यू शुड हैव टोल्ड दैट राम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ इन सेक्शन ए, ये कंप्लीट होता है ना, तो उसी तरीके से अगर मैंने आपसे सॉलिड्स के बारे में पूछा आप डायरेक्ट बताने लगो कि इंटरपार्टिकल स्पेस नहीं होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है इसमें, हार्ड होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, तो ये यहां से ये स्टार्ट नहीं करना है हमें, वी हैव टू स्टार्ट विद दिस लाइन दैट वॉट एवर वेदर इट्स अ सॉलिड वेदर इट्स अ लिक्विड और वेदर इट्स गैस ऑल ऑफ देम आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सबसे पहला ही बताना आप यहां से स्टार्ट करोगे दैट इज कि आपका यहां पे सॉलिड क्या है, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज योर स्टेट ऑफ मैटर, ये आपका क्या है स्टेट ऑफ मैटर है, एंड सेम थिंग यहां, सेम यही चीज अगर क्वेश्चन आपसे किसके लिए पूछा जाता है लिक्विड के लिए, तो सेम थिंग यहां भी, ये भी आपका क्या है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, फोर्थ वन सॉरी थर्ड वन गैसेस के लिए भी पूछा जाता है, तो हियर ऑल्सो इट इज ऑल्सो योर स्टेट ऑफ मैटर, ये भी आपका क्या है स्टेट ऑफ मैटर, अब इसके बाद आप बताना स्टार्ट करोगे अलग अलग से कि सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें इंटरपार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल कह सकते हैं, डिफ्यूजन नहीं होता है हमारा, इसका शेप फिक्स होता है, अब इसके बाद अलग अलग डेफिनेशन आपको अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप बताओगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ये अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, वन बाय वन एकदम प्रैक्टिकली कह रहे हैं इस चीज को समझेंगे हम लोग, और ऐसा इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप पहली प्रॉपर्टीज लर्न करते हो इट विल वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड इवन टू मेमोराइज द सेकंड प्रॉपर्टी एंड कंसेक्यूटिवली फोर्थ
थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करते हैं. देखो प्रॉपर्टीज को, जैसा मैंने कहा राइट नाउ आई जस्ट टोल्ड यू कि प्रॉपर्टीज को मैं कोरिलेट कर दूंगा, वन बाय वन कोरिलेट करेंगे. कैसे? सबसे पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. लेट मी टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी. कोई भी सॉलिड आप देखो, देखो जब भी आप ये सॉलिड पढ़ो, लिक्विड पढ़ो या गैस पढ़ो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि अगर हम खुद, अगर अच्छा हमारा एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है तो हम देख के भी सीख सकते हैं, बट ओनली अप टू सर्टेन लेवल. अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि देख के ही हम सीख जाएंगे कि कैसे प्लेन उड़ रहा है, उसके बारे में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट हाँ एक बेसिक लेवल तक हम देख के समझ सकते हैं. कैसे? देखो अब ये सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है ना, इसको तीन चार प्रॉपर्टीज तो मैं बिना बुक की हेल्प से, आपके पास भी अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है आप उससे देख के बताओ. मेरे पास फिलहाल हाथ में ये पेन है, इसके हेल्प से देखो मैं आपको प्रॉपर्टी समझा दूंगा. तीन चार प्रॉपर्टीज मैं इसी से लिख लूंगा. देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये चीज कि जो सॉलिड है हमारा, ठीक है, ये सॉलिड क्या है हम लोग का, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ये सभी हमारे किससे मिलकर बने हैं? पार्टिकल से मिलकर बने हैं. ठीक है, अभी पार्टिकल से मिलकर बने तो मैं थोड़ा सा भी फोर्स लगा रहा हूँ, चाहे कितना फोर्स लगा रहा हूँ, आई कैन नॉट कंप्रेस इट, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ. अच्छा, कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इसका क्या मतलब है कि इसके बीच में जो पार्टिकल्स होगा, ये जो हमारा सॉलिड बना है, सॉरी, इसके बीच में जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं प्रेजेंट है. जब स्पेस नहीं प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में तो ये इसको, इसीलिए हम इसको कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे. इसका मतलब सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमको यहां से लिख लेना चाहिए कि सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल स्पेस. सॉलिड हैव नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल स्पेस. ठीक है, सॉलिड्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस आपका क्या होगा? नेग्लिजिबल. अच्छा, इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल है, देखो यहीं से मैं कोरिलेट कर रहा हूं, इंटर पार्टिकल स्पेस ही नहीं है तो भाई इसको हम कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं. तो सेकंड प्रॉपर्टी वी कैन राइट हियर, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. ठीक है, ये हमारा क्या है? इनकॉम्प्रेसिबल है. अब देखो ये मार्कर हमारे पास, ये इनकॉम्प्रेसिबल है. ठीक है, तो अगर ये इनकॉम्प्रेसिबल है तो क्या चाह करके भी मैं विलिंगली कैन आई चेंज द शेप ऑफ दिस मार्कर या पिन, जो भी कह सकते हो आप? ऑफ कोर्स नॉट, मैं इसका शेप चेंज नहीं कर पाऊंगा. इट डज मीन थर्ड प्रॉपर्टी आई कैन राइट ओवर हियर कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप. इनका क्या होगा? शेप हमेशा, दे हैव द फिक्स्ड शेप. सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, इनका शेप फिक्स होगा. ठीक है, अब थर्ड वन प्रॉपर्टी भी समझ, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी समझते हैं बेटा. देखो अब इनका अगर शेप फिक्स है, ठीक है भाई, ये चेंज नहीं कर रहा है इसी तरीके से, तो जितना इंक इसमें होना चाहिए या जितनी इसमें भी क्वांटिटी होनी चाहिए, जो भी सब्सटेंस इसके अंदर है, वो फिक्स रहने वाला है. तो क्वांटिटी से अगर हम बात कर रहे हैं या इसके अंदर स्पेस की बात कर रहे हैं, इट डज मीन वी आर, आई एम जस्ट इंडिकेटिंग अ वन टर्म एंड दैट वन टर्म इज अ वॉल्यूम. तो वी कैन से ओवर हियर दैट द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. इनका जो वॉल्यूम होगा, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा. ठीक है, अब एक चीज और, वॉल्यूम इनका फिक्स है, फोर्स ऑफ इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम है, और अगर इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो कैसा होगा? वो भी क्या होगा? काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा. तो फिफ्थ प्रॉपर्टी यहां पर हम लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग ओवर हियर, फिफ्थ प्रॉपर्टी, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हो आप, जैसे अपने वर्ड में लिखना चाहो. हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? इंटर पार्टिकल्स. ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के बीच में हम लोग के. ठीक, ये चीज है आप लोग का. सिक्स्थ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो जब सॉलिड्स के बीच में फोर्स इतना ज्यादा है, सॉलिड्स इन द मीन्स कि उनके बीच में, इंटर पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स इतना ज्यादा है, कोई स्पेस उनके बीच में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या कोई दूसरा इंटर पार्टिकल उनके बीच में आके फिक्स बैठ सकता है? मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, चलो पहले मैं सॉलिड्स का ये डायग्राम बना देता हूं इस तरीके से. ठीक है, ये मैंने सॉलिड बना दिया यहां पे. अब देखो यहां पे
इनके बीच में कोई इंटरपार्टिकल नहीं है, देखो यहाँ पे कोई स्पेस हमें नहीं दिख रहा इन सबके बीच में, यहाँ थोड़ा बहुत स्पेस हो गया है, वो मेरा ड्रॉइंग एरर है, ठीक है, कोई स्पेस इन सबके बीच में प्रेजेंट ही नहीं है। सो इफ देर इजंट ए प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेस बिटवीन टू इंटरपार्टिकल्स, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है भाई कि यहाँ से कोई दूसरा पार्टिकल आए और इनके बीच का स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, मतलब कोई दूसरा पार्टिकल इसमें मिक्स हो ही नहीं सकता। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। इसका मतलब सॉलिड्स के केस में डिफ्यूजन नहीं होगा, सॉलिड्स के केस में हमारा डिफ्यूजन नहीं होगा। इसको मैं रेड मार्कर से कट कर दे रहा हूं कि सॉलिड्स की केस में हमारा डिफ्यूजन नहीं होगा, डिफ्यूजन ओन्ट टेक प्लेस इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड की केस में हमारा डिफ्यूजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये बेसिक से 6 प्रॉपर्टीज है, स्टिल वी डू मोर प्रॉपर्टीज, वी डू हैव कई और प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये 6 प्रॉपर्टीज याद करके चलते हैं। ये बेसिक के 6 प्रॉपर्टी है सॉलिड्स के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं हम लोग टाइप प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में बात करते हैं। देखो तो जैसे हमने सॉलिड्स की केस में कहा था, सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द लिक्विड केस, ठीक है, लिक्विड में क्या होगा कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल्स होगा थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे सॉलिड की केस में अभी आपने डायग्राम देखा था कि कोई इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं था, बट इन द केस ऑफ सॉलिड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस। प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, कुछ इंटर पार्टिकल स्पेस यहां पे प्रेजेंट रहेगा। दूसरा, अगर इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मैंने वहां डायग्राम बनाया था, चलो एक बार यहां पे पहले बनाई लेते हैं डायग्राम अच्छे से। देखो थोड़ा बहुत इंटर पार्टिकल स्पेस आप अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट है, इसका मतलब इनके बीच में स्पेस है, सो वी कैन कंप्रेस इट, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो पार्टिकल्स पास में आएंगे थोड़ा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज कॉम्प्रेसिबल, मीन्स लिक्विड्स आर कॉम्प्रेसिबल, लिक्विड को हम लोग कॉम्प्रेसिबल भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको अब कॉम्प्रेस करेंगे तो ऑफकोर्स भाई ये भी चीज क्लियर है कि इफ यू आर गोइंग टू कंप्रेस द लिक्विड इट विल चेंज इट्स शेप ऑल्सो, तो वी कैन से दैट कि जो लिक्विड्स होगा हमारा हमारा डज नॉट हैव द फिक्स शेप, डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इनका क्या होगा, शेप फिक्स नहीं होगा, ठीक है, बट वॉल्यूम फिक्स होगा। इस चीज को कैसे समझ करते हैं, लेट अस सपोज आई हैव टेकन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, किसी दूसरे कंटेनर में लिया है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बीकर ये है हमारे पास और दूसरा बीकर हमारे पास कुछ थोड़ा सा बड़ा हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सपोज कर हमारे पास कुछ वाटर प्रेजेंट है, कितना वाटर प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट है। आई एम पोरिंग दिस वाटर इन टू दिस कंटेनर, ठीक है, अब देख सकते हो कंटेनर थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है पानी इसमें यहां तक आए, लेकिन इफ विल कीप ऑन मेजरिंग दिस, ठीक है, अगर हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, स्टिल वी विल फाइंड दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी 1 लीटर H2O, ठीक है। चलो सो हियर वी कैन सी दैट कि दोनों में ही बीकर में हमारे पास क्या है, वाटर की जो क्वांटिटी है दैट इज 1 लीटर। सो वन थिंग वी कैन से ओवर इज दैट कि वॉल्यूम जो लिक्विड का रहेगा हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, दैट इज वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, फिक्स रहेगा लिक्विड के केस में। तो ये हमारी क्या रही, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी लिक्विड के केस में, ठीक। पहला फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस है, कॉम्प्रेसिबल है हमारा, ठीक है, डज नॉट हैव द फिक्स शेप, फिक्स शेप नहीं है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां देखो कि अब इनके बीच में क्या है, कुछ इंटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है स्पेस, तो दूसरा इंटर पार्टिकल क्या कर सकता है, यहां से आकर के इनका ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। इसका मतलब टू इंटर पार्टिकल्स कैन मिक्स ईच अदर, जब दो इंटर पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इसका मतलब लिक्विड्स के केस में हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन हो सकता है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आई कैन राइट ओवर हियर इज दैट कि डिफ्यूजन इज पॉसिबल, ठीक है, डिफ्यूजन हमारा किसके केस में, लिक्विड के केस में हमारा डिफ्यूजन यहां पे हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी, देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। पहला क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस हम लोग का ये होगा, कंप्रेसिबल होगा, डज नॉट हैव द फिक्स शेप, वॉल्यूम फिक्स होगा, डिफ्यूजन। देखो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये छूट रहा है कि भाई जब इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा सा प्रेजेंट होगा, तो जब इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा,
थोड़ा सा तो कम ऑफ कोर्स होगा, सॉलिड के केस में जितना था उतना नहीं होगा, बट हाँ सॉलिड्स के कंपेरेटिवली थोड़ा सा हमारे पास क्या रहने वाला है, लेस इंटर पार्टिकल स्पेस. सो विल राइट ओवर हियर दिस लेस इंटर पार्टिकल स्पेस, लेस इंटर पार्टिकल स्पेस. ठीक है, सो ऑल दीज वर द सिक्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स. बट स्टिल आई विल से वंस अगेन कि हो सकता है कुछ और प्रॉपर्टीज हो इसके अलावा, जो कि हम लोग चैप्टर्स ऑनगोइंग, जब चैप्टर्स हम लोग का और कंटिन्यू अब चलता रहेगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. बट स्टिल इफ यू नो सम अदर प्रॉपर्टीज, अगर आप जान रहे तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो कि क्या और भी लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं. ठीक है, सो टिल द टाइम कीप वॉचिंग मी ऑन योर चैनल लेट्स स्टडी इंडिया, टिल द टाइम कीप ग्रोइंग इन योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री. थैंक यू फॉर वॉचिंग.